सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेडबल्स में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में करने वाले हैं डिस्कस जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको बताया जो एक्शन कंस्ट्रक्ट यानी कि ACE जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था, जुबिलेंट इंग्रेविया, फिगलैंड फार्मा, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया हाउसिंग बुल्स और ITC भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको हेल्प आपको मिल सकती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर ज़्यादातर हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड, स्कैल्पिंग और क्रिप्टो पे। अगर आपको लगता है मेरे चैनल से हेल्प मिलेगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो पहला स्टॉक है वो है अरिहंत कैपिटल। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ। देख सकते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो लेवल है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है ये, और मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिया है। देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन बनाया मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ मार्केट जहाँ से नीचे गिरा मार्केट वहाँ से उठना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट हमें दिया, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है अभी भी उसी रेंज में। अगर इसका ब्रेकआउट मिले, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है आपको ट्रेड करने के लिए। सिंपली पहला टारगेट आपको ये होगा 185 के आसपास और अगला टारगेट 189 के आसपास। और जो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिंग दर काम करता है। हालाँकि वहाँ तक पहुँचना कोई पॉसिबल नहीं है अरिहंत कैपिटल के लिए। ये 45 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। पर आप देख सकते हैं कि जो बायर्स का वॉल्यूम तो उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम आया, यानी कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकता है। तो जो अगला स्टॉक है वो है कोकर्णा लिमिटेड। देख सकते हैं उसमें भी मैंने कोई पैटर्न को फॉर्म किया। मैं इसमें आपको लंबे टाइम फ्रेम लेके जाता हूँ। देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको वनडे में आपको लेके आया हूँ। उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हैं आप चाहे तो। जो नीचे वाला लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये इंपॉर्टेंट काफ़ी एक रेजिस्टेंस है। अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं आप। इस यहाँ से सिर्फ ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, जो सपोर्ट यहाँ पर वो बनेगा। देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर जैसे जैसे ट्रेंड लाइन पे आता है तो मार्केट वीक शो करना स्टार्ट करता है, यानी कि बायस का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कोई किसी भी स्टॉक के लॉन्ग टर्म बुलिश रन के लिए। अब देख सकते हैं जब जब मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट रिवर्स होने की कोशिश की, यानी कि बायर्स ने एंट्री ली। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है। मार्केट पर उठेगा, सपोर्ट पे आएगा, उठेगा, सपोर्ट पे आएगा, सिंपली वही हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट हो रही लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेशन में था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला। ये लेवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेसिंग तरह काम कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक अच्छा एक सप्लाई जोन है। देख सकते हैं उसके बाद फॉल यहाँ पर काफ़ी अच्छा आया था और ये सपोर्ट की तरह वापस उठ गया। तो अगर आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो पहला टारगेट ये सिंपली हो जाएगा आपका। और आपको लगता है कि यहाँ पर वीकनेस आ रहा है तो ट्रेड आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया था स्पार्स के बारे में, मैंने इसमें बोला था कि कवर हैंडल पैटर्न फॉर्म होने पर आज जो हांगकॉन्ग मार्केट में सेल ऑफ आया उसकी वजह से जो टोटल वर्ल्ड मार्केट है उसमें भी टोटली सेल ऑफ आया। तो इसी वजह से हो सकता है कि सन फार्मा ADV में यानी कि स्पार्स में यहाँ पर गैप डाउन हुआ और मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। इसे ट्रेड आपको नहीं करना है अभी। तो ये रिस्की हो सकता है ट्रेड करने के लिए। अगर ये पैटर्न का मिलेगा ब्रेक तब आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया ये टारगेट होगा अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो। अगर कल का कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देता है और इस पर रिटेस्ट कर लेता है तो पहला टारगेट सिंपली आपका 417 के आसपास हो सकता है। तो जो अगला स्टॉक है वो है ऑटो एक्सेल्स। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर काफ़ी रिलायंस वगैरह बनाया है यहाँ से, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। अगर आपको ट्रेंड लाइन में प्रॉब्लम होता है तो ज़रूरी नहीं आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें, आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसे भी कर सकते हैं, CPR,
वगैरह जो भी आपको यूज़ करना, आप देख सकते हैं आज से कैंडल में काफ़ी वॉल्यूम हमें देखने को मिला। अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है ये एक्यूमुलेशन जोन का, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, मार्केट अपट्रेंड में आता है। मान लीजिए मार्केट का कोई जोन है, मार्केट अपट्रेंड में आएगा, वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, अगर उसका ब्रेकआउट मिला यानी कि मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में था। सिमिलर वे में अगर का ब्रेकडाउन मिलता है तो यानी कि मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में था। अगर इस लेवल पे रिटेस्ट करता है तो सिंपली पहला टारगेट आपका ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है तो मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो वापस इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, ऑब्वियस बात है कि मार्केट रिजेक्ट होगा। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो नीचे वाला लेवल से ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड इस पे ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया अगर इसका रिटेस्ट कर लेता है इसको, तो ये पहला टारगेट ये होगा। तो जो अगला स्टॉक है वो है UCL कॉरपोरेशन, देख सकते हैं उस पर भी मैंने कुछ लेवल्स को मार्क करके रखा है। सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ से भी मैंने बनाया है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। अब देख सकते हैं कि मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो काफ़ी सा स्टॉक हो सकता है ये आपको ट्रेड करने के लिए। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देख सकते हैं कि ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन की तरह काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया आपको एक्यूमुलेशन जोन क्या। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपको वेट करना है इसके ऊपर क्लोजिंग का। जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, जो 3 वीक से मैंने ट्रेंड लाइन जो बनाया उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है ये परफॉर्म करने के लिए। देख सकते हैं कि ऊपर जो एक डॉटेड लाइन है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में, अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है। तो जो अगला स्टॉक है वो है गैब्रियल इंडिया, देख सकते हैं उस पर मैंने कुछ लेवल्स को मार्क करके रखा है। इन लेवल्स पर आपको ध्यान नहीं देना है, इन जो लेवल्स को देखना है वो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देख सकते हैं कि ये लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप चाहे तो इन लेवल्स को मार्क करके आप रख सकते हैं अपने चार्ट्स पे। देख सकते हैं कि ये एक जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर बनाया वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। देख सकते हैं अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हमें दे दे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है ये ट्रेड करने के लिए। अगर आप चाहे तो टारगेट आप CPR वगैरह यूज़ करके आप सिंपली आप, अगर आप चाहे तो आप टारगेट्स वगैरह CPR यूज़ करके आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं कि मार्केट ने R1 के ऊपर क्लोज हमें किया है, ऊपर R2 है रेजिस्टेंस, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस तरह काम कर सकता है। अगर आपको माने CPR यूज़ करने का करिए, नहीं तो कीजिए, कोई मजबूरी नहीं है। सिंपल अगर इस ट्रेंड के ऊपर क्लोज हमें मिलेगा तो काफ़ी और बायर्स एंट्री यहाँ पर लेंगे। पहले की वीडियो ये देख सकते हैं, कपर हैंडल पैटर्न भी मुझे यहाँ पर भी दिखा, देख सकते हैं ये कप टाइप का है, ये हैंडल टाइप का आपको दिख, देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है। इसी से ये इस तरह के सेटअप काफ़ी कॉमन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं राउंड बॉटम, फिर यहाँ हैंडल ब्रेकआउट, फिर से देख सकते हैं काफ़ी सिंपल से, आशा कर दो समझ में आ रहा है। इस लाइन के ऊपर क्लोज मिलेगा तो काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है, एक अच्छे रेजिस्टेंस पे भी खड़ा ही देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो पहला टारगेट भी आप मान सकते हैं।